मानकापुर थाना क्षेत्र में आने वाले अलेक्सिस हॉस्पिटल में महिला प्रबंधक ने हॉस्पिटल की ही संचालक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। 21वीं सदी चल रही है और इस सदी में महिला पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, मगर महिला जितनी देश में आगे बढ़ रही है उतने ही उनके सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भले ही शासन ने उनके लिए कड़े कानून बनाए हैं, मगर देश में ऐसे भी लोग हैं कि वे अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शहर के मानकापुर पुलिस थाना क्षेत्र में भी एक महिला पर छेड़खानी का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र में आने वाले अलेक्सिस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सूरज प्रकाश त्रिपाठी पर ये आरोप लगाया गया है। एक इतने बड़े अस्पताल में जहां लोग अपना इलाज करने आते हैं, ऐसी ही अस्पताल के संचालक की ओर से ये घिनौना अपराध किया गया है। पीड़ित महिला इसी अस्पताल में काम करती है। आरोपी सूरज त्रिपाठी और महिला प्रबंधक एक दूसरे से परिचित है। पुलिस स्टेशन में महिला ने दी शिकायत के अनुसार 2016 से अभी तक अस्पताल के काम चलते वह आरोपी सूरज के साथ विदेश भी जाती थी। उस दौरान सूरज ने उसे अभद्र व्यवहार कर कई बार छेड़खानी की। बदनामी के कारण पीड़िता ने किसी से भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप रही। पीड़िता के इसी चुप्पी से आरोपी सूरज के हौसले बढ़ गए और इस बीच 14 जनवरी 2019 को सूरज ने पीड़िता को अलेक्सिस अस्पताल में स्थित अपनी केबिन में बुलाया और फिर उसे छेड़छाड़ की। पीड़िता अस्पताल के संचालक आरोपी सूरज पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। विदेश में जाने पर छूना, अश्लील बातें करना, डॉक्टर सूरज की शिकायत पीड़िता ने अस्पताल के मैनेजमेंट से भी की थी। इतना ही नहीं, पीड़िता के भाई ने भी डॉक्टर सूरज को समझाया था। इसके बाद सूरज ने ऐसा बर्ताव दोबारा न करने की बात उनसे कही थी और पीड़िता से माफी भी मांगी थी। कई बार सूरज ने पीड़िता को महंगे महंगे गिफ्ट देने की कोशिश की, मगर पीड़िता उसे हमेशा ही मना कर दिया। वो दिन में 20 से 25 बार पीड़िता को मैसेज या चैटिंग करता था। इतना ही नहीं, एक बार सूरज ने पीड़िता का पीछा भी किया। ये बात पीड़िता ने अपने भाई को बताई। उसके भाई ने फिर से एक बार डॉक्टर सूरज को समझाया, जिसके बाद डॉक्टर सूरज ने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर समझौता पत्र लिख कर दिया था। डॉक्टर सूरज के इस तरह से परेशान करने के कारण पीड़िता को काफी मानसिक तकलीफ भी हुई है। इस पूरे मामले में अस्पताल का मैनेजमेंट क्या कर रहा था? जब पीड़िता ने डॉक्टर सूरज की शिकायत मैनेजमेंट से की थी, तो मैनेजमेंट ने सूरज के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठाए? इस मामले में जब दोनों के बीच हंगामा हुआ, वह पहुंचा और पीड़िता ने डॉक्टर सूरज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में अभी तक डॉक्टर सूरज की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब पीड़िता के पास डॉक्टर सूरज के छेड़खानी के सबूत है, तो इतना समय क्यों लग रहा है? यह सवाल खड़ा होता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़, नागपुर।